और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। स्वस्थ संस्कृति से होगा नए भारत का निर्माण। चेम्बूर में विद्वानों ने रखी राय, छात्रों ने लेखन में उठाया मुद्दा। नए भारत के निर्माण में संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर चेम्बूर के विवेकानंद स्कूल में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृति संरक्षण संस्था के इस कार्यक्रम में साहित्यकर्मी JP त्रिपाठी के संचालन में पूर्व वैज्ञानिक अरुण सक्सेना, साहित्यकर्मी राजम नटराजन पिल्ले, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा, आकाशवाणी के उद्घोषक आनंद सिंह ने नीति, नियम और सामाजिक मूल्यों के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी को जागरूक व प्रेरित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय ने चाणक्य के हवाले से कहा कि भाषा, भवन, वेशभूषा, भोजन संस्कृति के निर्णायक तत्व हैं। किसी देश का सर्वांगीण विकास सिर्फ GDP ग्रोथ से तय नहीं होता। यह देखना भी जरूरी होगा कि वह मनुष्यता के विकास के लिए मानवों को सुशिक्षित और सुसंस्कृत करने एवं उनके कल्याण के लिए क्या काम कर रहा है। उन्होंने संवाद कार्यक्रम को सबके लिए प्रेरणादायी बताया। देखिए, किसी भी देश का जो विकास है उसका सर्वांगीण विकास कहलाता है। जब तक हम हर चीज़ का विकास नहीं करेंगे तो किसी देश को हम विकसित राष्ट्र नहीं मान सकते हैं। क्योंकि इस समय भारतीय संस्कृति पर चतुर्दिक आक्रमण हो रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, तो उसके संरक्षण, संवर्धन और उसमें जो कालजयी मूल्य हैं, जो मनुष्यता के हित में पूरे मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने वाले मूल्य हैं, उन मूल्यों के संरक्षण की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि भाषा, भवन, भेष और भोजन ये चार संस्कृति के निर्माणक तत्व हैं। तो जो भारतीय भाषाएं हैं, जो भारत की भवन निर्माण प्रविधि है, जो भारतीय भोजन है, जो भारतीय वेशभूषा है, इन चारों के संरक्षण और संवर्धन की भी ज़रूरत है। देश का तकनीकी, वैज्ञानिक और भौतिक विकास जरूरी है, आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन हम किसी राष्ट्र का विकास केवल GDP के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं तय कर सकते हैं। वह राष्ट्र कितना सुसंस्कृत हो रहा है, कितना सुशिक्षित हो रहा है और मनुष्यता के कल्याण में, मनुष्यता के विकास में, मानव जाति को और ज़्यादा सुसंस्कृत बनाने में वह किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा मनुष्यता परक रही है, मानवतावादी रही है, वह चराचर जगत के कल्याण की कामना करने वाली रही है। हमारे यहाँ केवल विश्व शांति की अवधारणा नहीं रही, बल्कि ब्रह्मांड की शांति की अवधारणा रही है। इसलिए इस आयोजन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और मैं यह मानता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सही संदर्भ में समझ सकें और राष्ट्र निर्माण के साथ उसके महत्व को जोड़ सकें। बताते चले कि संवाद विषय पर छात्रों के लिए लेख प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें 175 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कुछ छात्रों ने भी नए भारत के निर्माण में संस्कृति के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयोजन प्रमुख सुश्री मिथिलेश कुमारी, साहित्यकर्मी माधव सक्सेना, कवियत्री प्रेमलता त्रिपाठी समेत तमाम लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVVn India।